हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने आगे की जो वीडियोस है उसमें से देखकर कर्सिव अल्फाबेट और कर्सिव राइटिंग लिखी होगी। और आज के वीडियो में हम देखेंगे पार्ट वन में फर्स्ट अ हैप्पी चाइल्ड, फर्स्ट पोयम है। ये हैप्पी चाइल्ड क्या है? पोयम है। तो पोयम में आज हम क्या देखेंगे? पहले हम पोयम सीखेंगे कि पोयम क्या है। सो लेट्स सी। My house is red, a little house, a happy child am I. I laugh and play the whole day long, I hardly ever cry. I have a tree, a green, green tree, to shade me from the sun, and under it I often sit when all देखो यहाँ पर एक चाइल्ड है। तो चाइल्ड कैसा है? ए हैप्पी चाइल्ड। आप लोगों को आपकी बुक में देखना है, देख रहे हैं आप लोग बाजू में, आप लोगों को हैप्पी चाइल्ड दिख रहा है। ओके, वेरी गुड। तो चाइल्ड क्या बोल रही है? माय हाउस इज रेड। मेरा हाउस कैसा है? रेड कलर का है। कौन से कलर का है? रेड कलर का है। ए लिटिल हाउस, और चाइल्ड का हाउस कैसा है? लिटिल। लिटिल मीन्स क्या होता है? छोटा सा। तो माय हाउस इज रेड, ए लिटिल हाउस। तो चाइल्ड का हाउस कैसा है? छोटा सा है, और उसका कलर कौन सा है? रेड कलर है। आप लोगों को पिक्चर में रेड कलर दिख रहा है हाउस का? वेरी गुड। ए हैप्पी चाइल्ड एम आई। तो चाइल्ड क्या बोल रही है कि मैं कैसी हूँ? हैप्पी चाइल्ड मतलब कि खुश बच्ची हूँ। I laugh and play the whole day long. फिर चाइल्ड क्या बोल रही है कि मैं पूरे दिन, laugh means हंसना और play means खेलना, मैं पूरा दिन क्या करती हूँ? laugh और play the whole day long. whole day long मतलब कि पूरा दिन। I hardly ever cry, और वो कभी कभी रोती है। hardly means मुश्किल से रोना, कभी कभी ही रोती है। I have a tree, a green, green tree. फिर चाइल्ड क्या बोल रही है? I had a tree मतलब कि मेरे पास एक ट्री है, और ट्री कैसा है? ग्रीन, ग्रीन। ग्रीन ग्रीन मतलब आप लोगों ने ट्री तो देखा ही होगा ना, तो ट्री का कलर कौन सा है? ग्रीन होता है ना ट्री का कलर। तो चाइल्ड क्या बोल रही है कि मेरे पास एक ट्री है, और उसका कलर कौन सा है? ग्रीन कलर है। टू शेड मी फ्रॉम द सन, फिर चाइल्ड क्या बोल रही है? शेड मीन्स उसे जो हमें छाव मिलती है, उसे क्या कहते हैं? शेड कहते हैं। तो चाइल्ड बोल रही है कि टू शेड मी फ्रॉम द सन मतलब कि जो पेड़ है, जो ट्री है, वो उसे क्या करता है? जो सन होता है उसे शेड मिलती है, उसे सन से क्या मिलती है? शेड मीन्स छाव मिलती है उसे। एंड अंडर इट आई ऑफन सीट व्हेन ऑल माय प्ले इज डन। फिर उसे जो छाव मिलती है उसे फिर वो क्या करती है? कभी कभी वो छाव में बैठती है। कभी बैठती है तो जब भी उसका खेलना मीन्स प्लेइंग, जो खेलती है उसका खेलना खत्म होता है, उसके बाद वो क्या करती है? कभी कभी पेड़ के नीचे जो उसे शेड मिलती है उसके नीचे वो क्या करती है? बैठती है। सो आप लोगों को ये वाली पोयम समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड। तो आप लोगों को ये पोयम क्या करनी है? यू हैव टू रिसाइट दिस पोयम एट योर होम। ये वाली पोयम आप लोगों को घर पे बोलनी है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? न्यू वर्ड्स है। क्या है? न्यू वर्ड्स। तो न्यू वर्ड्स में आप लोगों को क्या करने है? ये वाले जो वर्ड्स है वो आप लोगों को आपने जो इंग्लिश की नोटबुक बनाई है 4 लाइन की, उसमें ये वाले वर्ड्स लिखने हैं। हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। वेरी गुड। चलो देखते हैं कौन से वर्ड है। सी आर वाई, क्राई। फर्स्ट वर्ड इज क्राई। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राई? क्राई का मीनिंग होता है रोना। क्या होता है? रोना। नेक्स्ट वर्ड इज डे, डी ए वाई, डे। डे का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डे? तो डे का मीनिंग होता है दिन, जो हम पूरे दिन काम करते हैं, जहां पर जो टाइम पे वो पूरा क्या होता है?
वन डे, आर ई डी, आर ई डी रेड, तो रेड क्या होता है, रेड कलर होता है, एस यू एन सन, तो सन तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, देखा है कि नहीं देखा है, वेरी गुड, तो सन हमें क्या देता है, लाइट देता है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पार्ट क्या है, मेक सेंटेंस। अभी ये मेक सेंटेंस में हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पर वर्ड दिए रहते हैं, यहाँ पर दिया है सन और नीचे दिया है रेड, तो सन दिया है तो हमें, हम यहाँ पर जो भी सेंटेंस बनाते हैं उसमें सन वर्ड आना चाहिए, और यहाँ पर है रेड, तो यहाँ पर हम जो सेंटेंस लिखते हैं उसके अंदर रेड वर्ड आना चाहिए। तो चलो हम देखते हैं कि सन, तो सन का सेंटेंस क्या बनाया है हम लोगों ने, द सन शाइन्स इन द स्काई, क्या बनाया है, चलो बोलो मेरे साथ, द सन शाइन्स इन द स्काई, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड इज रेड, आई हैव ए रेड पेन, तो आप लोगों को ये समझ में आएगा है कि सेंटेंस मैंने कैसे बनाए हैं, सेंटेंस में क्या करना है, तो सेंटेंस में यहाँ पर जो वर्ड्स दिए होते हैं वो सेंटेंस में आने चाहिए, उसका मीनिंग होता है मेक सेंटेंस। सो ये वाले मेक सेंटेंस है वो भी आप लोगों को अपनी बुक में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस मेक सेंटेंस यू हैव टू राइट वन टाइम, कितने टाइम लिखोगे, वन टाइम लिखोगे, और दिस न्यू वर्ड्स यू हैव टू राइट फाइव टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स।